नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मैं आपको बता दूं कि Xiaomi 18 जुलाई को इंडिया में अपने मच वेटेड फोन मी मैक्स का अपग्रेड वर्जन मी मैक्स 2 इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको मी मैक्स 2 में क्या क्या चेंजेस हैं मी मैक्स के कंपेरेटिवली वो आज दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों ही फोन्स पड़े हैं, एक तरफ है मी मैक्स 2 और एक तरफ है मी मैक्स। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप दोनों फोन्स के फ्रंट में तो एटलीस्ट फ़र्क नहीं बता पाएंगे। जो डिफरेंस है आपको दिखेगा शुरुआत में जब आप इस फोन को हाथ पकड़ेंगे वो होगा इनके 2.5D कर्व ग्लास का। जी हाँ, मी मैक्स 2 में आप देख सकते हैं कि 2.5D कर्व ग्लास दिया है जबकि मी मैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज आप साइज़ देखेंगे तो दोनों में सेम साइज़ दिया है, 6.44 इंच का स्क्रीन साइज़ है। दोनों में फुल HD रेजोल्यूशन दिया है और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ कैपेसिटिव कीज़ दिए हैं, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, फ़र्क नहीं है। नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ कि आपको नीचे की तरफ सेम प्लेसमेंट्स मिलेंगी स्पीकर ग्रिल की भी। इसके साथ ही साथ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको सेम ही 3.5 जैक की प्लेसमेंट मिलेगी और इसमें भी आपको इंफ्रारेड पोर्ट मिल रहा था और मी मैक्स 2 में भी कंपनी ने इंफ्रारेड पोर्ट दिया है। अब जो मेजर चेंज आपको इस फोन के डिज़ाइन में दिखेगा वो उनके बैक से दिखेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों का बैक जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी ने थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करी है मी मैक्स 2 को। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि एंटीना बैंड जो है वो ऊपर प्लेस कर दिए हैं ठीक आईफोन 7 की तरह, और कैमरा प्लेसमेंट भी सेम है दोनों में, बस LED लाइट को यहाँ की जगह इधर कर दिया है मी मैक्स 2 में, और फिंगरप्रिंट सेम है, लोगो सेम है और थोड़ा सा कर्व कर दिया है इस फोन को कंपनी ने। तो ओवरऑल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। अगर आपने याद ही होगा अगर आपको कि Xiaomi ने Redmi Note 4 और Redmi Note 3 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, Xiaomi Mi Max 2 में भी कंपनी ने ऐसे ही कुछ किया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए डिज़ाइन वाइज भी और हार्डवेयर वाइज भी। अब हार्डवेयर की बात करेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोनों फोन में आपको 6.44 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन और डिस्प्ले मिल रहा है। साथ ही साथ इन फोन के अगर प्रोसेसर की तरफ रुक करेंगे तो मी मैक्स में आपको याद होगा कि स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर दिया था कंपनी ने, जबकि इस बार मी मैक्स 2 में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। अब आप कहेंगे कि 625 क्यों डाला कंपनी ने, 625 इसलिए डाला है कि कंपनी चाहती है कि आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिले जो कि लैग फ्री हो, साथ ही साथ आपको पावर एफिशिएंसी मिले यानी आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। साथ इसके अलावा आपको बता दूं कि मी मैक्स 2 में 4GB की रैम मिल रही है आपको और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका एक और वेरिएंट भी इंडिया में लॉन्च हो जाए, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका 128GB और दूसरा रैम वेरिएंट लॉन्च होगा नहीं होगा, पर फिलहाल जो हमारे पास फोन है ये एक चाइनीज यूनिट है और इसमें हमको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज दिख रही है। जबकि बात करें मी मैक्स में आपको याद ही होगा कि इसमें 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज थी, हालांकि आप दोनों को एक्सपैंड कर सकते हैं हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के जरिए आप इनको एक्सपैंड कर सकते हैं। वहीं बात करें इन फोन्स के सॉफ्टवेयर की तो पहले तक आपको मी मैक्स में एंड्रॉयड मार्शमेलो मिल रहा था, आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन 6.0 दिया है लेकिन इस बार कंपनी ने इसमें 7.1.1 दे दिया है, एंड्रॉयड नोगा दे दिया है। इसके अलावा बात करें इन फोन्स की बैटरी की जो कि इसका एक और सबसे बड़ा एस्पेक्ट है मी मैक्स का और मी मैक्स 2 का भी कंपनी ने यही बड़ा एस्पेक्ट बनाया है, यानी आपको मी मैक्स में पहले 4850 mAh की बैटरी मिल रही थी तो अब कंपनी ने इसमें दी है 5300 mAh की बैटरी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा इस बार इससे, क्योंकि एक तो प्रोसेसर भी कंपनी ने एनहांस कर दिया है और बैटरी का साइज़ भी बढ़ा दिया है। तो बैटरी के मामले में आपको इस फोन से निराश नहीं होना पड़ेगा और ओवरऑल अगर आप इस फोन को देखेंगे मी मैक्स 2 को इस बार तो आपको एक बेहतरीन व्यू एक्सपीरियंस मिलेगा इस फोन से, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ी स्क्रीन तो इस बार भी है साथ साथ बैटरी बैकअप भी है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं तो आपका बैटरी बैकअप कहीं नहीं जाएगा और आप इस बड़ी स्क्रीन का लाभ भी उठा पाएंगे। इसके अलावा बात की जाए इन फोन से कैमरा की तो पहले आपको याद होगा कि मी मैक्स में 16 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया था कंपनी ने, लेकिन इस बार कंपनी ने इसे 12 मेगापिक्सल कर दिया है जो कि सोनी का सेंसर है। और जब हमने इसका फर्स्ट टेस्ट किया था जब हमारा फोन आया था तब हमें इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी और आप पिक्चर के सैंपल्स देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है पिक्चर क्वालिटी में। बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेम सेंसर ही मिल रहा है, दोनों में 5 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा दिया है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ दोनों कैमराज, आप देख सकते हैं कि दोनों में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और दोनों की पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम है। हालांकि जो नया फोन है मी मैक्स 2 इसमें थोड़ा सा आपको कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगे, पर अदरवाइज क्वालिटी की बात करेंगे डिटेलिंग की बात करेंगे तो हमें फिलहाल अभी हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में दोनों की सेम लगी, लेकिन हम आपको उसका डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन इसके रिव्यू में बता पाएंगे, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि इन दोनों में फोन में कैमरास में कितना अंतर है। तो अब बात आती है
ओपिनियन की कि मी मैक्स 2 कैसा डिवाइस है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कंपनी ने मी मैक्स 2 को मी मैक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं बनाया। आप देख सकते हैं कि लुक्स भी ऑलमोस्ट सेम है और स्पेसिफिकेशन वाइज भी कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस नहीं किए जो कि हम एक नए वर्जन फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि दूसरी कंपनी से पुराने वर्जन से हटके दूसरे वर्जन पे जब आती है नए नया उसका सक्सेसर निकालती है हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि कंपनी कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर्स उसके अंदर लेके आएगी, लेकिन इस बार मी मैक्स 2 और मी मैक्स में कंपनी ने ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया। हालांकि यही चीज़ सेम Xiaomi ने रेडमी नोट 3 रेडमी नोट 4 में भी की थी, पर फिर भी अगर आप ओवरऑल अगर खरीदने जाएंगे आज मार्केट में तो मी मैक्स 2 आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद फ़ोन साबित होगा, क्योंकि जो अपने इसके स्पेसिफिकेशन है जो इसकी स्टोरेज इसकी रैम इसकी बैटरी और इसका स्क्रीन साइज़ वो बहुत ही अच्छी है, साथ साथ प्रोसेसर भी अच्छा और कैमरा भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन को खरीदने जाएंगे तो आप इससे निराश नहीं होंगे, क्योंकि मी मैक्स 2 आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है। और अगर आपको बड़े साइज़ के फ़ोन पसंद है और आपने मी मैक्स खरीदा था और आप मी मैक्स 2 को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कंपनी 18 जुलाई को इस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च कर रही है, तो हम वेट करते हैं और आपको इस फ़ोन का जल्द से जल्द रिव्यू ला के दिखाएंगे कि क्या ये फ़ोन इस बजट में आपके लिए बेस्ट साबित हो पाएगा या नहीं। तब तक के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्लीज़ आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी क्या राय है इन दोनों फोन्स को लेकर। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।